हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोलीविया वाटर वॉर। हेडिंग देख के आप लोगों को ऐसा लगा होगा चलो कुछ बढ़िया मिलने वाला है, पानी वानी से लड़ने वाले हैं लोग, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम देखिए, एक बार आपको रिकॉल करवाता हूँ, हमारा चैप्टर कौन सा है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो पॉपुलर स्ट्रगल्स में हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, स्ट्रगल किया है, और उनके स्ट्रगल से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में बदलाव आया है, डेमोक्रेसी आई है। पिछले वीडियो में हमने नेपाल की पूरी कहानी पढ़ी थी, अब वैसे ही हम बोलीविया की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो वाटर वॉर का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई वड़ाई हो रही है पानी से, या फिर पानी को लेकर लड़ाई हो रही है किसी दो देशों के बीच में, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि बोलीविया वाटर वॉर क्यों दिया गया इस वीडियो को हेडिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स इज नॉट लिमिटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ओनली। इसे फिर से पढ़ो आप लोग, एक बार मैंने तो पढ़ दिया, क्या कि जो पॉपुलर स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है, जो आप पॉपुलर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं अगर, तो वो सिर्फ लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि आप डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर लें। और ऐसा मतलब इससे मैं ये भी बताना चाह रहा हूं आपको कि लड़ाई लड़के डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दो उसके बाद में आपको पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये कुल मिला के क्या है कि लोग कब विद्रोह करेंगे, जब भी उन्हें जरूरत लगेगी। नेपाल की हमने स्टोरी देखी, तो लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट करा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं हो पाएगी। अब मान लीजिए आज डेमोक्रेसी चल रही है नेपाल में सही ठीक तरीके से, लेकिन आज फिर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, या फिर मान लो गवर्नमेंट में कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो वहां के लोग आज फिर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आया समझ में। तो पीपल्स प्रोटेस्ट जो बात की जाए कि लोगों का जो प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, पीपल्स स्ट्रगल जो होते हैं, तो दे आर नॉट लिमिटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ओनली। मतलब इतना नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करके प्रोटेस्ट करना बंद कर दो, रेदर वी शुड से दैट प्रोटेस्ट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू रिटेन द डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए हमें कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। आज भी हमारे देश में अगर किसी तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म होते दिखेंगे आपको, तो आप क्या करोगे एज ए ह्यूमन बीइंग, या फिर कह सकते हैं एज ए सिटीजन, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, वही आपके पास में लास्ट रिजॉर्ट रहेगा, वही आपके पास में लास्ट सॉल्यूशन रहेगा। तो पॉपुलर स्ट्रगल्स आर इंटीग्रल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसे आपको बार बार बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है। पॉपुलर स्ट्रगल्स आर इंटीग्रल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आपको अगर डेमोक्रेसी को सही तरह से काम करवाना है तो यू मस्ट रिलाई ऑन द पॉपुलर स्ट्रगल्स, ठीक है। पॉपुलर स्ट्रगल्स जो है वो दे आर द बेस्ट मीन्स टू अचीव योर एंड गोल्स। अगर आपके एंड गोल्स ये हैं कि आपकी डेमोक्रेसी सही तरह से काम करती रहे, तो वो आप कैसे काम कर पाएगी, जब आप पॉपुलर स्ट्रगल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो जो पूरी कहानी सुनाई है इतनी देर में मैंने, तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए कि जो पॉपुलर स्ट्रगल्स होते हैं दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ओनली, जबकि इन पॉपुलर स्ट्रगल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी को बनाए रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। तो स्ट्रगल करोगे ना अगर कल को देश में आपकी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने काम धंधे में लगे रहो, जब आपको देश बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक। चलिए तो स्टोरी ऑफ बोलीविया से हम समझते हैं कि बोलीविया की स्टोरी क्या है, किस बारे में है, और ये कैसे हमारे टॉपिक से रिलेट होती है। बोलीविया कहाँ है सबसे पहली चीज, ठीक है, आप बोल दोगे बड़ा स्मार्ट आंसर, कुछ बच्चे बहुत स्मार्टली आंसर कर देते हैं चीजों को, क्या बोलेंगे सर अर्थ पे ही होगा बोलीविया, ठीक है मार्स पे तो होगा नहीं, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, लेकिन अर्थ पे कहां, तो बोलीविया है, जिन बच्चों को ज्योग्राफी से प्यार है वो बच्चे पकड़ लेंगे कि कहां है, साउथ अमेरिका में, यहाँ पे लैटिन अमेरिका लिखा है, लैटिन अमेरिका मतलब वही होता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। कहाँ है साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे है, ये किस किस ने जवाब दिया है, शाबाश, ठीक है आपको मेडल मिलना चाहिए। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे साउथ अमेरिका है। वर्ल्ड मैप निकालो जल्दी से, मैं आपको हर बार बोल चुका हूँ कि एक मैप होना चाहिए आपके स्टडी रूम में, आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपके पास में पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, मैप होना चाहिए, इंटरलेटेड स्टडी होती है ना, जरूरी थोड़ी ना सिविक्स पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की कुछ चीज़ नहीं आएगी। तो बोलीविया क्या है, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, जिन लोगों को फुटबॉल से प्यार है तो बता दो ब्राजील के पास में है, ठीक। तो ब्राजील के पास में साउथ अमेरिका में एक कंट्री है बोलीविया, गरीब कंट्री, ज्यादा पैसा नहीं है, बोलीविया इज अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। अब क्या होता है, वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट ऑफ बोलीविया, ठीक, बोलीविया की कहानी पढ़ रहे हैं, बोलीविया की गवर्नमेंट कोई प्रेशराइज करेगी, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी ना करेगी। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, बोलीविया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है,
उसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। देखो मैंने आपको जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में हमने पूरी टेंथ क्लास के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में एक बार जिक्र किया होगा आपको, हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी मैंने आपको जिक्र किया है, क्या क्या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाओगे, इकोनॉमिक्स में भी किया है। तो वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं आपको बोले कि आइए बस रेड कार्पेट एंट्री हो रही है आपकी कि आपको लोन मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक तो अपना प्रॉफिट देखती है और वर्ल्ड बैंक इज बिंग गाइडेड बाय हुम, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक को गाइड करने वाली होती है डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट को कौन गाइड करता है, तो वहां की जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहां के जो बिजनेसमैन होते हैं। तो उस सेंस में क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने मतलब गया होगा बोलीविया लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास में, तो वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रखी वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने बोलीविया की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की गवर्नमेंट को क्या प्रेशराइज किया, टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई होता है, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई मतलब क्या होता है, जैसे जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज मतलब नगर निगम जो होते हैं, तो नगर निगम में क्या होता है, पानी सप्लाई करने की अथॉरिटी किसके पास रहती है, राइट्स किसके पास रहते हैं, वहां की म्युनिसिपल गवर्नमेंट के पास रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट से ये बोला कि जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई की राइट्स हैं आपके पास, ये राइट्स आप छोड़ दो, टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। व्हाई? अब सवाल ये आता होगा आपके मन में कि गवर्नमेंट ने, सॉरी वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट को क्यों प्रेशराइज किया, किस चीज के लिए प्रेशराइज, ताकि गवर्नमेंट के पास में जो वाटर सप्लाई के राइट्स थे वो गिव अप कर दे, मतलब वो वाटर सप्लाई के राइट्स छोड़ दे, और वो वाटर सप्लाई के राइट्स छोड़ेगी तो वर्ल्ड बैंक अपने हिसाब से फिर किसी को भी वाटर सप्लाई के राइट्स दे सकती है। ये मोटिव था वर्ल्ड बैंक का, आया समझ में। वर्ल्ड बैंक ने इसीलिए वाटर सप्लाई की डिमांड रखी ताकि वर्ल्ड बैंक क्या कर सके, अपनी किसी रिश्तेदार कंपनी को, रिश्तेदार कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके और वर्ल्ड बैंक के कुछ रिलेशन हो, वर्ल्ड बैंक को जहां फायदा हो रहा हो, तो वर्ल्ड बैंक ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए बोलीविया की गवर्नमेंट से बोला कि भैया वाटर सप्लाई की जो बात है उसे तुम छोड़ दो। अब कहां के वाटर सप्लाई की बात, तो वो समझाते हैं। तो वाटर सप्लाइंग राइट्स ऑफ द सिटी ऑफ कोचाबाम्बा वर सोल्ड टू एमएनसी, ठीक है, तो एक एमएनसी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी, उस मल्टीनेशनल कंपनी को राइट्स बेच दिए गए कि अब से जो वाटर सप्लाई किया जाएगा कहां पर, कोचाबाम्बा, ठीक है, कोचाबाम्बा सिटी का नाम है, बोलीविया की एक सिटी है, तो कोचाबाम्बा में अब जो भी वाटर सप्लाई होना है वो कौन करेगा, एक एमएनसी करेगी, एक मल्टीनेशनल कंपनी करेगी। अब मल्टीनेशनल कंपनी को आपने राइट्स भी दे दिए तो उससे क्या दिक्कत है, ठीक है, आप इसी तरह से सोच रहे हो ना, उसका समाधान बताता हूं, मतलब उसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको, कि मल्टीनेशनल कंपनी को जब वाटर राइट्स मिल गए, वाटर सप्लाइंग राइट्स मिल गए, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, दे इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, मल्टीनेशनल कंपनी को जैसे ही राइट्स मिलते हैं वाटर सप्लाई राइट्स, तो इट वॉज ऑब्जर्व इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 times, 4 गुना प्राइस बढ़ गया, किस चीज का, पानी का। तो पानी इतना महंगा हो गया, लोगों की जितनी इनकम नहीं होती थी उससे ज्यादा उनके वाटर बिल आ रहे थे। तो इस चीज के चलते क्या है, इस चीज के चलते देयरफॉर अ पॉपुलर प्रोटेस्ट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर देयर, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है कि बोलीविया में पॉपुलर प्रोटेस्ट देखने को मिला। अब देखिए, आप रिलेट करिए कहानी को, ये जो पूरी कहानी बताई मैंने आपको, तो हमने कहानी में क्या सीखा कि नेपाल में जो पॉपुलर प्रोटेस्ट हुआ था वो किस लिए हुआ था, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन बोलीविया में जो हो रहा है तो वहां पे डेमोक्रेसी तो थी, यहां पे क्यों पॉपुलर प्रोटेस्ट हो रहा है, ताकि डेमोक्रेसी सही तरह से काम करे। गड़बड़ हो रही थी ना यहां पे, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके वाटर सप्लाई के राइट्स एमएनसी को दे दिए, अब जब एमएनसी के पास चले गए तो उसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, पानी की कीमत इतनी हो गई जितनी लोगों की इनकम नहीं होती है, और इसी चीज के कारण देयरफॉर पॉपुलर प्रोटेस्ट वॉज बिंग ऑब्जर्व्ड ओवर देयर, इसी के चलते पॉपुलर प्रोटेस्ट को वहां पर देखने को मिला, ठीक है। अब क्या होता है, हाउ डिड द मोमेंट इवॉल्व्ड, ठीक है, तो ये जो पॉपुलर प्रोटेस्ट का या फिर ये पॉपुलर मोमेंट जो स्टार्ट हुआ बोलीविया में वो कैसे बना, तो उसके बारे में बताते हैं। तो इन ईयर 2000 ईयर में एक 4-day सक्सेसफुल स्ट्राइक वॉज ऑर्गेनाइज, एक 4 दिन की स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक में सारे जितने भी लेबर्स थे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जितने भी लोग थे, जितने भी कम्युनिटी लीडर्स थे, इन सभी लोगों ने एक अलायंस बनाया, सभी लोग साथ में आते हैं, सभी लोग साथ में आके प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट बोलती थी चलो ठीक है अपन नेगोशिएट कर लेंगे, नेगोशिएट करने का वादा कर देती है, और गवर्नमेंट बाद में क्या बोलती है, हमने तो झूठ बोला था, ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट धोखा दे देती है, और जिसके चलते नो मेजर अचीवमेंट्स वर अचीव्ड, तो कोई कुछ खास हाथ लगता नहीं है, ये जो अलायंस बनी रहती है स्ट्राइक जो करते हैं उसके चलते। अब जब कुछ खास हाथ लगता नहीं है, फिर दूसरी बार ये वापस आते हैं, फरवरी में वापस से प्रोटेस्ट होता है, तो उस समय पे क्या है, उस समय पे ब्रूटल रिप्रेशन वॉज पुलिस बाय पुलिस वॉज ऑब्जर्व, ठीक है, तो पुलिस फोर्स जो थी, तो पुलिस फोर्स के द्वारा जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें क्या किया गया, ब्रूटली रिप्रेस कर दिया गया, उन्हें डरा दिया गया, धमका दिया गया, दबा दिया गया, इस तरह से क्या हो गया कि उनका प्रोटेस्ट फिर फेल हो गया। फिर अप्रैल में क्या होता है कि अप्रैल में एक बार फिर से लोग प्रोटेस्ट करते, तो इस समय पे गवर्नमेंट जो रहती है बोलीविया की वो क्या लगा देती है, मार्शल लॉ इम्पोज कर देती है,
मार्शल लॉ कहां पढ़ाया आपने? हिस्ट्री में पढ़ा था हमने मार्शल लॉ, ठीक है, कौन से चैप्टर में? नेशनलिज्म इन इंडिया में। तो उसी तरह से मार्शल लॉ इंपोज हो जाता है कि लोग अब इकट्ठे भी नहीं हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहां पे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हें सप्रेस करने का काम कर रही है, और लोग मान नहीं रहे, लोग प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। और यही डेमोक्रेसी की पावर है, क्या कि अल्टीमेटली जब सारे मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं तो जो सिटीजंस होते हैं वो अपने हाथ में कमांड ले लेते हैं, ठीक है, पीपल टुक द कमांड इन देयर हैंड। और जब एक बार अपने हाथ में कमांड ले लेते हैं तो फिर प्रोटेस्ट होते हैं, धरना होता है, स्ट्राइक होता है, और गवर्नमेंट को घुटने टेकना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बलवान कौन होता है? सबसे ज्यादा बलवान होती है जनसंख्या, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, सिटीजन देखने को मिल रहे हैं, उनके आगे गवर्नमेंट की भी नहीं चलेगी। अगर सारे लोग, अगर कल को इंडिया में ही अगर देख लो कि सारे लोग रोड पे उतर आए, स्ट्रीट्स पे आ जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा वो चीज। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, बट अल्टीमेटली पीपल्स प्रोटेस्ट वॉन, वाटर सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड टू म्युनिसिपैलिटी। तो मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के जाना पड़ा, गवर्नमेंट को अपनी डिमांड को ड्रॉप करना पड़ा, और वाटर सप्लाई की जो बात थी तो इट वॉज रिस्टोर्ड टू म्युनिसिपैलिटी। खुश हो गए, तो हैप्पी एंडिंग देखने को मिली हमें कहां पे? बोलीविया में। इस तरह से बोलीविया की पूरी कहानी पड़ी। सीखा क्या? ठीक है, सीखा हमने यही है कि पॉपुलर प्रोटेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉपुलर मूवमेंट्स होते हैं, पॉपुलर प्रोटेस्ट होते हैं, ये किस तरह से डेमोक्रेसी को रिस्टोर करवा सकते हैं। नेपाल के केस में किस तरह से डेमोक्रेसी की प्रॉपर फंक्शनिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बोलीविया के केस में। आया समझ में? तो यही सारी चीजें हमने पढ़ी। आई होप आपको बोलीविया का पॉपुलर प्रोटेस्ट समझ में आया, और जो हमारी हेडिंग थी स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी बोलीवियास वाटर वॉर, तो अब आप सही मीनिंग में समझ पाए होंगे कि वाटर वॉर क्यों कहा गया है। वाटर वॉर क्यों कहा गया है? क्योंकि आपने देखा कि पूरी जो लड़ाई थी या फिर जो पूरा प्रोटेस्ट था वो किस चीज के पीछे था? वाटर के पीछे था। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलग दूसरे डायमेंशन, कहानियां खत्म हो गई है, अब चैप्टर में चलते हैं, इनडेप्थ चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।